फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पुष्पिता आज फिर आपके लिए एक साटन का रिबन से फ्लावर बनाने के लिए सिखा रही हूं। कंजासी फ्लावर भी इसको बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत होगी, सबसे पहले तो साटन रिबन। मैंने येलो कलर का ये साटन रिबन लिया, इसके वेट और लेंथ बताऊँगी। उसके बाद इसमें फ्लावर में ये बीड्स लगाने के लिए इस तरह का, और उसके बाद फिर लाइटर, मेजरिंग टेप, सीजर, ग्लू गन तो मस्ट है उसको पेस्ट करने के लिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और सुई धागा भी चाहिए आपको। देखिए इसका जो है वेट ये 4 सेंटीमीटर है और ये 18 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये 18 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर का है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के पेटल्स हमको बनाने हैं इसके लिए। सबसे पहले हम ये देखिए इसको कैसे बनाते हैं। फर्स्ट तो ये साइड वाला इस तरह से स्टिक कर ले। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा आपको। बहुत इजी है, आसानी से बन जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसको आप गुलदस्ता में यूज़ कर सकते हैं, हेयर पिन में यूज़ कर सकते हैं, हेयर बैंड में। ये देखिए, ये इस तरह से इस पोर्शन में। अब इसके बाद ऐसे ध्यान से देखेंगे, उसको इस तरह से मोड़ना है। फिर यहाँ अब इस साइड जो है इस तरह से, ये अब यहाँ पर हम इसको सिल लेना है थोड़ा सा। ये इस तरह से हो गया, और उसके बाद इस बीच में ऐसे करके थोड़ा सा स्टिक कर देंगे, हल्का सा। इससे क्या होगा, ये इस टाइप का बन जाए। ऐसे टोटल पेटल्स ये देखिए मैंने बना के रखे हैं। अब इसको हमको स्टिक करना है। ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करते चले जाएंगे।
तरह से। ये देखिए पूरा पेस्ट हो गया है, हम इसके बीच में इसको लगाना है। ये देखिए फ्लावर रेडी हो गया। अब इसके बैक में हम इसको इस तरह से फिर हेयर क्लिप में, अगर उसको यूज़ करना हो तो कैसे बनाते हैं प्रीवियस में, इसको इस तरह से करके कट कर देंगे। अब इसको इसमें पीछे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये हो गया, और अब हम हेयर बैंड भी इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं हेयर बैंड में। ये देखिए जब चाहे आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको इस तरह से बना देते हैं लूप, और यहाँ पर इस तरह का बना दिया लूप। अब चाहे तो रेगुलर आप इस तरह के फ्लावर बना करके चेंज कर सकते हैं। इससे पहले भी एक फ्लावर मैंने बताया था उसी तरह से, और ये हमारा हेयर बैंड रेडी हो गया। देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा, इसको क्लिप में भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से आप, और ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो मेरा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।